दोस्तों, आज का वीडियो है। अगर आपकी भी आंखों की रोशनी कम हो गई है या फिर बहुत छोटी उम्र में आपको चश्मा लग गया है, तो मैं आपको कुछ ऐसे ही कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिनसे आप अपने आंखों का चश्मा हटा सकते हैं। कम उम्र में चश्मा लग जाना आजकल एक सामान्य बात है। इस समस्या से जूझ रहे लोग इसी मजबूरी मान लेते हैं या फिर अपनी किस्मत मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी कारण से एक बार चश्मा लग जाए तो वह उतर नहीं सकता, ये आप लोगों का ये कहना है, लेकिन मैंने पर्सनली इस चीजों को यूज किया है तो मैं इसे बोल सकती हूँ कि आपका चश्मा डेफिनेटली उतर सकता है। चश्मा लगने का सबसे प्रमुख कारण है आंखों की ठीक से देखभाल ना करना, पोषक तत्वों की कमी होना, अनुवांशिक हो सकता है, और इसमें अनुवांशिक कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से लगा चश्मा सही देखभाल और खान पान का ध्यान ना रखने की वजह से हो सकता है। आज हम आपको जो रामबाण नुस्खे बताएंगे उन्हें जरूर फॉलो करें, डेफिनेटली आपकी आंखों को आराम मिलेगा और आंखों से चश्मा उतर जाएगा। सबसे पहला टिप्स है, पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करके ही सोएं। जब आप सोते हैं तब तलवों पर सरसों का तेल जरूर लगाएं। सुबह के समय नंगे पैर हरी घास पर चले और नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, ये आंखों की कमजोरी को दूर करता है। एक चने के दाने जितना फिटकड़ी को सेक कर 100 ग्राम गुलाब जल में डालकर रख लीजिए। रोजाना रात को सोते समय इस गुलाब जल की 4-5 बूंद आंखों में डालें, साथ ही पैर के तलवों पर घी की मालिश करें। इससे चश्मों के नंबर कम होने लगेंगे और आपका चश्मा उतर जाएगा। आंवले के पानी में आंखों आंखें धोने से और गुलाब जल डालने से आंखें स्वस्थ रहती हैं, गंदगी भी आंखों में से खत्म हो जाती है, आपकी आंखें बढ़िया बनी रहती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बादाम की गिरी, बड़ी सौंफ और मिश्री तीनों को सामान्य मात्रा में मिला लीजिए और रोज इस मिश्रण को 1 चम्मच मात्रा में 1 गिलास दूध के साथ रात को सोते समय जरूर लें, इससे बहुत फर्क नजर आएगा। नेक्स्ट है, बेल पत्र का 20 से 50 मिलीलीटर रस पीने से और 3 से 5 बूंद आंखों में कजल की तरह लगाने से बहुत फर्क मिलता है। आंखों के हर प्रकार के रोग जैसे पानी गिरना, आंखें आना, आंखों की दुबलता आदि होना, हर प्रॉब्लम आंखों की अगर आपको है, पर रात को 8 बादाम भिगोकर उन्हें पीस लीजिए और सुबह उन्हें खाएं और दूध के साथ अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। अगर आप अपने आपके बच्चे छोटे हैं, 3-4 साल के हैं, अगर आप उन्हें हर रोज शुरू से ही बादाम देते हैं, बादाम भिगो कर देते हैं, तो उन्हें कभी भी आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका दिमाग भी तेज होगा और उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम से भी वो दूर रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, केला ग्रेट खाना आंखों के लिए लाभकारी होता है। दोस्तों, ये एक नींबू 1 गिलास पानी में पीते रहने से भी जीवन भर नेत्र प्रॉब्लम नहीं होती आपको। हल्दी की गांठ को तुअर की दाल में उबालकर उसका छाछ निकाल लीजिए और छाया में सुखा लीजिए इस चीज को। हल्दी की गांठ को तुअर की दाल में उबाल लीजिए और छाया में उसे सुखाइए, पानी में घिसा कर उसे सूर्य पूर्व में उसे खाने से और 2 बार आंखों में कजल की तरह लगाने से आंखों को लालिसा दूर हो जाती है और आंखों की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सुबह के समय उठकर बिना कुल्ला किए मुंह की लार को यानी कि सलीवा को अपनी आंखों में कजल की तरह लगाने से भी 6 महीने अगर आप इसे लगातार करते हैं तो आंखों का चश्मा उतर जाता है और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। कनपट्टी पर गाय के घी की हल्के हाथों से रोजाना कुछ देर मसाज करने से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। रात्रि में सोते समय अरंडी का तेल या शहद आंखों में डालने से भी आंखों की सफेदी बढ़ती है और आंखों में नमी आती है। नींबू एवं गुलाब जल का सामान्य मात्रा में उसे मिलाकर एक
पानी बनाई थोड़ा सा और इस मिश्र को एक एक घंटे के अंतराल में आंखों में डालने से भी आंखों को ठंडक मिलती है, बहुत ही अच्छा फील होता है, आंखें बहुत सॉफ्ट और एकदम फ्रेश नजर आती हैं। त्रिफला चूर्ण को रात्रि में पानी में भिगोकर सुबह छान कर इस पानी से आंखें धोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। नेक्स्ट है बादाम की गिरी बड़ी सौंफ और मिश्री तीनों को सामान्य मात्रा में मिला लीजिए। रोज इस मिश्रण को एक चम्मच मात्रा में एक गिलास दूध के साथ रात को सोते समय जरूर लें। इससे आपको बहुत फर्क नजर आएगा, आपकी आंखों की रोशनी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिनसे आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। इनमें से किसी भी टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फर्क नजर आएगा। ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीजें हैं, तो आप अपने बच्चों का चश्मा उतार सकती हैं अगर आप उतारना चाहती हैं तो। तो दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, तो उसके लिए अगर वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है आपने क्लिक नहीं किया है तो उसे जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया करे। तो दोस्तों मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।